Assalamualaikum dear student. Today lecture number 8 class 6 lab 5.2. Last हमने question number 1 और 2 को solve किया था और question number 3 आपको homework दिया था. अब एक question number 4. Story सबसे word problems है. इसके अंदर हमें stories को read करना होता है. उसके मुताबिक हमने उसको solve करना होता है. इसके अंदर multiplication जो होगा, divide होगा या plus होगा या minus होगा. Story से पता चल जाता है. Slim उसकी सैलरी मतलब तनख्वाह जो है वो 12,000 12,000 है. He gives 1/12. 1/12 का मतलब है कि सैलरी के 12 हिस्से हो जाए और उसका एक हिस्सा जो है वो his salary as earns, यानी कि वो खैरात देता है या ज़कात देता है. It means half of the remaining for house expenditure. यानी कि स्लीम की जो सैलरी है ये होने के बाद यानी कि ज़कात देने के बाद या खैरात देने के बाद जो कि 1/12 था उसके बाद जो बाकी बचती है उसका जो हाफ है वो क्या कहता है हाउस एक्सपेंडिचर. हाउस एक्सपेंडिचर मतलब घर के अखराजात जो उसके हैं बाकी जो उसके बाद बच जाएगा उसके बाद एंड 2/5 यानी कि जो उसके बाद रिमेनिंग बच जाता है 5/2 यानी कि उसके बाकी 5 हिस्से बचने के बाद 2 पार्ट जो है उसके वो क्या करता है एज डेबिट जो कि बैंक में किया जाता है एज डेबिट. That was due upon him. What is the remaining salary with him? बाकी उसके पास remaining उसके बाद कितनी salary बच जाती है? Start करते हैं सबसे पहले Slim salary. Slim की salary क्या है? 12,000 ये हमने ले ली. उसके बाद he gave at glance. ठीक है? उसने 1/12 की relation से 1/12 की relation से उसने क्या किया है? खैरात दी है. Multiply 12,000 जो उसकी salary है. 12 अभी 0 देंगे तो 1000 आ जाएगा यानी कि 1000 जो है वो उसने पे किया है या दिया है एज उसके बाद रिमेनिंग सैलरी उसके पास क्या बच जाएगी रिमेनिंग अमाउंट क्या बच जाएगी 12000 उसके पास थे 1000 उसने एडवांस कर दिए ये तो रिमेनिंग उसके पास बच जाएंगे 11000. 11000 जो उसके पास रिमेनिंग बच गए हैं उससे उसने क्या करना है वो हाफ. हाफ का क्या मतलब होता है कि उसको 2 पे डिवाइड करके किसी भी चीज को 2 पे डिवाइड करके तो उसका हाफ बन जाता है. तो रिमेनिंग जो है उसके पास 11000 है और वो हाफ करता है हाउस एक्सपेंडिचर. तो हाउस एक्सपेंडिचर 11000 जो उसके पास बच गए थे डिवाइडेड बाय 2. जब इसके ऊपर 2 पे डिवाइड होगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 55. देखिए 11000 उसके पास है उसको हाफ करना है 5 का 10 रिमेनिंग 1 को सेटल टू 5 का 10. इसके बाद अगले 2 जीरोस बच जाएंगे चाहे यहां लगा लें तो ऊपर भी 2 जीरोस लग जाएंगे. क्लियर? 5500 जो है उसने हाउस एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिए यानी कि घर के खर्चात में. रिमेनिंग क्या बच जाएगा उसके बाद 11000 उसके पास था बाकी उसमें से 5500 उसके खर्च हो गए तो रिमेनिंग भी 55 ही बचेंगे. ही पेड एज डेबिट लास्ट उसने क्या किया है 2.5 ऑफ द रिमेनिंग एज डेबिट. तो एज डेबिट जो है उसके पास क्या है 2/5 जो रिमेनिंग सैलरी है 2/5 मल्टीप्लाई 55. 5 के टेबल इसको कटिंग करेंगे तो 1100 आ जाएगा. 1100 टू द 2200 तो 2200 के कहां खर्च हो गया है डेबिट में. 5500 का खर्च हुआ तो उसके अकाउंट एक्सपेंडिचर में रिमेनिंग सैलरी उसके पास क्या आ जाती है जो कि लास्ट में वो पूछता है रिमेनिंग सैलरी विद हिम. तो 5500 उसके पास जो बच गए थे उसमें से 22 उसने आज डेबिट हो गए तो रिमेनिंग बच जाएंगे आपके 3300. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. अ पर्सन इज वॉकिंग एक आदमी है जो है वो वॉकिंग मतलब चलता है विद द स्पीड उसकी रफ्तार है ऑफ 1/8 किलोमीटर 1/8 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 घंटे में 1/8 किलोमीटर का डिस्टेंस हो तय कर लेता है. हाउ मच टाइम कितना टाइम लगेगा डज ही रिक्वायर टू रीच अ गोल एट द डिस्टेंस ऑफ 1/16 उसको कितना टाइम लगेगा जो कि डिस्टेंस हो उसके पास. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. लिंक स्टोरी समझ रहे हैं 1/8 किलोमीटर कवर्ड बाय द मैन इन 1 आवर. अंडरस्टूड हो गया 1 आवर ये आ जाएगा आपके पास
और 1 by 1 whole 1 by 8 किलोमीटर वहां से आ जाएगा। उसके बाद 1 किलोमीटर कवर्ड बाय द मैन, अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता तो कितना कर लेता, 1 किलोमीटर के लिए जाए 1 जो है वो आपका डिवाइड हो जाता 1 whole 1 by 8 मल्टीप्लाई 1 बार। ये जो 1 है ये 1 किलोमीटर का मल्टीप्लिकेशन करेगा, ये जो 1 है ये हर बार जाएगा और डिवाइड हो जाएगा जो उसका ये डिस्टेंस है, समझ आ गए। उसके बाद जो वाई डिस्टेंस है ये वाला हमारे पास 5 whole 1 by 16 किलोमीटर कवर्ड बाय द मैन 1 डिवाइडेड सेम मल्टीप्लाई और ये चीज आ जाएगी आप इसके साथ मल्टीप्लाई। ये वाला जो 1 था ये यहां पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है और ये वाला जो किलोमीटर है ये यहां पे मल्टीप्लाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, इसमें डिवाइड भी है मल्टीप्लिकेशन भी है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। 1 था ये और 1 9 बाय 8 उसके पास 16 5 था 18 और 1 81 बाय 16 1 डिवाइडेड 9 बाय 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 बाय 16 उसके बाद ये 1 मल्टीप्लाई जो डिवाइड है उसको पहले सॉल्व करेंगे। डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू निकाल देंगे, 8 जो है वो ऊपर चला जाएगा 9 जो है वो नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 81 बाय 16 9 के टेबल में इसको कटिंग करेंगे 9 9 का 81 8 2 का 16 यहां पे 1 मल्टीप्लाई है यहां पे 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा 1 का 1 9 का 9 2 नीचे कुछ नहीं बचता तो 2 का 2 ही बच जाएगा 9 पर 2 9 बाय 2 में डिवाइड करेंगे 2 4 का 8 रिमेनिंग बच जाएगा 1। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये यहां आ जाएगा और होल नंबर वहीं पे 4 1/2 का मतलब है 4.5 भी कह सकते हैं इसको, जैसे कि पॉइंट लगाते हैं जीरो लगा दिया तो ये बन जाएगा ये, यानी कि 4 घंटे और 30 मिनट यानी कि 4.5 आवर जो है उसको रिक्वायर्ड हो जाएगा अगर वो इतना डिस्टेंस जो है वो करेगा। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 6 जो है 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है तो आपका होमवर्क होगा। अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन या होमवर्क समझ ना आ रहा हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।